सो आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल टेक अर्कलिस। तो गाइस आज की वीडियो में बात करेंगे वीवो के T1 फोन में स्मार्ट कॉल सेटिंग गाइस कैसे ऑन करेंगे। गाइस अगर आप भी अपने फोन में स्मार्ट कॉल सेटिंग को ऑन करना चाहते हो, यहां से बिल्कुल सेटिंग करके बताएंगे आप कैसे सेटिंग के जरिए अपने फोन में स्मार्ट कॉल सेटिंग यहां से ऑन कर सकते हो। एंड गाइस स्मार्ट कॉल सेटिंग में कैसे क्या चीज दिया हुआ, कैसे क्या चीज फ्यूचर है, आपको कैसे उसको यूज करना है, तो मैं यहां से आपको सेटिंग करके बताऊंगा। आप यहां से स्मार्ट कॉल सेटिंग को ऑन भी कर सकते हो एंड गाइस स्मार्ट कॉल आप यहां से यूज भी कर सकते हो। गाइस आपको देखिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो अपने फोन में यहां से स्मार्ट कॉल सेटिंग ऑन नहीं कर पाओगे। तो आपको वीडियो को बिल्कुल स्मार्ट मोशन का ऑप्शन, स्मार्ट मोशन पर गाइस क्लिक कर देना है। और यहां जब गाइस क्लिक करोगे आपको मिलेगा स्मार्ट कॉलिंग का ऑप्शन, यहां पर गाइस क्लिक करना। और यहां देखिए आपको मिलेगा पांच ऑप्शन, तो यही है स्मार्ट कॉल की सेटिंग। यहां से आपको बताते हैं कैसे क्या चीज यूज करना है। सबसे फर्स्ट में आपको मिलेगा स्मार्ट कॉल, यहां पर गाइस क्लिक करके इसको ऑन करना। और उसके नीचे आपको मिलेगा डिफॉल्ट कॉलिंग कार्ड, यहां पर गाइस क्लिक करके सिम 1 या सिम 2 से स्मार्ट कॉल करना चाहते हो आप यहां से यूज कर लीजिएगा। हम देखिए सिम 2 से लेते हैं और यहां आपको नीचे चार ऑप्शन मिलेंगे, तो यही चार ऑप्शन स्मार्ट कॉल की सेटिंग में यहां से बताते हैं कैसे क्या चीज यूज करना है। तो सबसे फर्स्ट में आपको मिलेगा स्मार्ट आंसर, स्मार्ट स्विच, स्मार्ट म्यूट, व्यू टू हैंड फ्री। यहां स्मार्ट आंसर पर गाइस हम क्लिक करते हैं और यहां पे आपको मिलता क्या, अगर आपके फोन पे कोई भी कॉल आती है तो आप कॉल को रिसीव करते हो अपने फोन के डिस्प्ले से। अगर गाइस आप इस सेटिंग को ऑन कर दोगे, अगर आपके फोन पे कोई भी कॉल आएगी आपको रिसीव कर सकते हो कॉल को, अपने फोन को अपने कान के पास ले जाके, फोन को अपने कान के पास ले जाओ गाइस, आपका कॉल यहां से ऑटोमेटिक रिसीव हो जाएगा। और ये देखिए आपको मिलेगा नीचे स्मार्ट स्विच, यहां पे आपको एग्जांपल भी देखने को मिल जाएगा। अगर आपके फोन पे कोई भी कॉल आती है आप रिसीव करके हैंड फ्री करके बात करते हो, अगर आपके पास कोई आ जाता आप हैंड फ्री को हटाने के लिए अपने फोन का डिस्प्ले पे जाते हो या फिर बहुत ही जल्दी करके कॉल को आप यहां से कट कर देते हो। अगर गाइस आप इस सेटिंग को ऑन कर दोगे, अगर आपके पास कोई भी कॉल आती है आप किसी भी हैंड फ्री पे बात करते हो, अगर आपके पास कोई भी आता है आपको अपने फोन को अपने कान के पास ले जाना है और गाइस ये कॉल ऑटोमेटिक हैंड फ्री से हट जाएगा। तो हम देखिए इसको भी तो ऑन कर दिया, आप भी अपने फोन में ऑन कर लीजिएगा। यहां मिलेगा स्मार्ट म्यूट। गाइस अगर हम बहुत सी बारी काम करते हैं तो अपने फोन को बिना टच किए, जैसे कि हाथ में अगर गंदा रहता है तो बिना फोन को टच किए हम कॉल को म्यूट करना चाहते हो म्यूट नहीं कर पाते, बट गाइस हम यहां से आपको इस सेटिंग को बता रहे हैं। इस सेटिंग को जब स्मार्ट म्यूट को ऑन करोगे और यहां देखिए आपको एग्जांपल भी मिलेगा, और यहां पे आपको फोन पे अगर कोई भी कॉल आएगी अपने हाथ को ऐसे लेना और डिस्प्ले पे गाइस कर देना, आपके फोन पे जो भी कॉल आएगी गाइस कॉल यहां से ऑटोमेटिक म्यूट हो जाएगी। और यहां आपको मिलेगा वेव टू हैंड फ्री। बहुत से बारे हम काम करते हैं तो अगर हम अपने फोन को नहीं टच कर पाते हैं, बिना फोन को टच के कॉल को रिसीव करके अनगेस कॉल को ऑटोमेटिक हैंड फ्री भी करना चाहते हैं तो हम यहां से कर सकते हैं। आपको देखिए इसके लिए करना क्या है, अब इस सेटिंग को पहले ऑन करना पड़ेगा और अपने हाथ को यहां राइट की साइड से लेना है, लेफ्ट की साइड आना, लेफ्ट से फिर राइट की साइड कर देना है। आपके फोन पर जो भी गाइस कॉल आएगी गाइस वो कॉल यहां से ऑटोमेटिक रिसीव हो जाएगी, अनगेस कॉल आपके यहां से ऑटोमेटिक हैंड फ्री भी हो जाएगी। तो काफी कमाल कमाल का फ्यूचर। तो आप यहां से वीवो के T1 फोन में स्मार्ट कॉल सेटिंग यहां से ऑन करके अपने फोन में यहां से गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।